हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बढ़िया हो, जबरदस्त होंगे। हम फिर आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम लोग एक नया और एक शानदार ब्लॉग आपके लिए लाए हैं। हम बताते हैं हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग से मतलब है कि मेरे स्कूल के सारे दोस्त मेरे साथ आ जाए घूमने के लिए। आप देख सकते हो ये स्कूल आकाश, ये महाकाल द्वार आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर और शानदार है। तो दोस्तों आप इस ब्लॉग में बने रहिए, दिल थाम कर रखिए। हम महाकाल लोक में आ चुके हैं, उज्जैन। ये है महाकाल लोक की पार्किंग, आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये टू व्हीलर पार्किंग है और ये फोर व्हीलर पार्किंग। चलो दोस्तों फिर आगे देखते हैं हम। जैसे ही हम महाकाल लोक में अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमें एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है। महाकाल की सुंदरता का हम जितना बखान करें उतना कम है। इसी सुंदरता में हमें जगह जगह महाकाल लोक में पेंटिंग देखने को मिलती है, बहुत ही सुंदर और प्यारी। हम लोग महाकाल लोक में अंदर की ओर जा रहे हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त व्यू है देखने को यहाँ पर। सभी थके थके लग रहे हैं थोड़े से, मैंने इनको सुबह से जल्दी से उठा दिया और उनको लेट लेके आया हूँ आज मैं। ये मन में मेरे को गालियाँ बक रहे हैं, ठीक है, हक बनता है इनका, दोस्त लोग होते ही ऐसे। ये देखो एक और ब्लॉगर हमारे साथ चल रहा है, ईश्वर। कहने को तो मेरे चाची का छोटा लड़का, लेकिन वह बराबर में ये एक सुमड़ा हमारे साथ है, देख सकते हो आप। कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा तो है ही नहीं। बोल ले कुछ ब्लॉग में, बोल ले कम से कम, तेरी शक्ल तो दिख रही है, कम से कम मुंह से कुछ शब्द भी बोल ले। हेलो गाइस निकला गुंगा बोला है ना। तो हम आ चुके हैं महाकाल लोक के अंदर। ये है नंदी द्वार मेरे जस्ट पीछे। यहाँ टोटल तीन द्वार है, जिसमें से हम नंदी द्वार के सामने खड़े हुए हैं। अब हम लोग नंदी द्वार के अंदर चले, अब और सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं अंदर जाकर कि महाकाल लोक में क्या क्या है और क्या नहीं है, सारी इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के जो सबसे बड़े भक्त माने गए वो नंदी जी को माने गए हैं, इसीलिए हमें मुख्य द्वार नंदी जी का देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई 26 फीट है और उसी के जस्ट सामने हमें गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। हमारे सनातन धर्म में 108 नंबर का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए महाकाल लोक में 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिसमें भगवान शंकर के खुशी में आनंद में नृत्य करते हुए 108 मुद्राएं देखने को मिलती है। जगह जगह दीवारों पर भगवान शिव की 52 कथाओं उकारी गई है, आप देख सकते हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार यहाँ पर पहले महाकाल वन हुआ करते थे और इसी स्थान पर कमल के फूल खिला करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए महाकाल लोक में यहाँ पर कमल कुंड का निर्माण किया गया, जिसमें भगवान शिव ध्यान मुद्रा में दिखाई देते हैं और उनका 24 घंटे अभिषेक होता रहता है। हमने कमल सरोवर देखा है, अब हम चले हैं आगे की ओर। कमल कुंड के हम जैसे ही आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो हमें त्रिवेणी मंडप और सप्तऋषि मंडल देखने को मिलता है। महाकाल का निर्माण टोटल 316 करोड़ का हुआ है, जिसमें नंदी द्वार से लेकर महाकाल की दूरी 900 मीटर बताई जा रही है और कहा जाता है यहाँ पर 190 मूर्तियों को स्थापित किया गया है।
त्रिवेणी मंडप से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही हमें गणेश जी की एक सुंदर और विशाल नृत्य करती हुई मूर्ति दिखाई देती है। जब भी धरती पे कोई संकट आता है तो कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश उसे संकट को हर लेते हैं। ऐसी एक घटना हमें शिव पुराण में देखने को मिलती है जिसका नाम है त्रिपुरासुर वध। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर के वध के लिए ब्रह्मा जी ने एक ऐसे रथ का निर्माण किया जिसमें ब्रह्मा जी खुद भगवान शिव के सारथी बने थे और उसमें जो बाण का यूज़ किया गया वो खुद विष्णु भगवान थे। इसमें जो चार अश्व का देखने को मिलते हैं वो वेद कहलाए और सूर्य और चंद्रमा इसके पहिए के रूप में देखने को मिलते हैं। महाकाल लोक में नौ ग्रह मंडल देखने को मिलते हैं, हम देख सकते हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जब भी समय की गणना की जाती है तो वो सारी गणना नौ ग्रह को देखकर ही की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ बीच में भगवान सूर्य देवता और उसके आसपास सारे नौ ग्रह देखने को मिलते हैं। नवग्रह मंडल के हम जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और द्वार देखने को मिलता है, पिनाकी द्वार, जो बहुत ही विशाल और सुंदर बनाया गया है। इसी के जस्ट पास में रुद्र सागर के किनारे एक नाट्य रंगमंच का भी निर्माण किया गया है। पिनाकी द्वार के जस्ट सामने शिव परिवार देखने को मिलता है जिसमें माँ पार्वती और गणेश और कार्तिक देखने को मिलते हैं। वहीं थोड़ी और आगे जाने पर हमें रुद्राज सागर के दर्शन होते हैं। इसी के पास बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है। सप्तऋषि मंडल में हमें एक पांच मुखी वाला शिव स्तंभ देखने को मिलता है जिसमें भगवान शिव के चार गहने देखने को मिलते हैं। इसमें अर्ध चंद्रमा, डमरू, त्रिशूल और सर्प देखने को मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो इन्हीं सप्तऋषियों को जन्म दिया था और इनकी शिक्षा की जिम्मेवारी भगवान शिव को दी गई थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में एक वीरभद्र का अवतार देखने को मिलता है। सदा वसंतम हृदय अरविंदे। अब हम चले हैं महाकाल के दर्शन करने। बहुत ही यार सुंदर और अच्छा नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। हर जगह आपको भगवान शिव के नए नए रूप देखने को मिलेंगे। यम वध की अलौकिक प्रतिमा देखने को यहाँ मिलती है महाकाल लोक में।
महाकाल लोक में भगवान शिव की बारात का भी अलौकिक और विशाल और अद्भुत प्रतिमा देखने को मिलती है। भगवान शिव का एक और अनोखा रूप जो खंडोबा के रूप में दिखाई देता है। रावण का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने अहंकार में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तो भगवान शिव ने उसके अहंकार को तोड़ने के लिए सिर्फ पांव का एक अंगूठा ही रखा था, जिसके कारण से वो धरती में समाने लगा, जिसके कारण उसका पूरा अहंकार नष्ट हो गया। कहा जाता है कि जब देवता और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उसी के बीच विष भी निकला था, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन करवाते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारी मूर्ति देखने को मिलती है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक दैत्य अवतार भी यहाँ देखने को मिलता है। भगवान शिव का नटराज रूप, भगवान शिव का सर्प अवतार, भारत में अभी तक ऐसी कोई जगह नहीं हुई जहां पर भगवान भैरव के अष्ट रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। वो महाकाल लोक में आपको देखने को मिलेंगे। भगवान शिव का एक और रूप देखने को यहाँ मिलता है। यहाँ पर महालक्ष्मी और भगवान शिव का योगेश्वर रूप चंद्रशेखर के रूप में दिखाई देता है। ये है भगवान महाकालेश्वर द्वार, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बनाया गया है ये द्वार। माँ गंगा को जो धरती के ऊपर उतारा गया था शिव की जटाओं के द्वारा, उसकी अलौकिक प्रतिमा हमें यहाँ देखने को मिलती है। बहुत दिनों बाद आकाश और मैं दोनों साथ में घूमने निकले आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद, तो आकाश कैसा लग रहा फिर? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा महाकाल लोक? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। बस यही आनंद लेने के लिए तो हम यहाँ महाकाल लोक आए। आप देख सकते हो दोस्तों, इतनी शानदार मूर्तियाँ हैं बनाई है। महाकाल लोक पूरा कॉरिडोर इतना शानदार तरीके से तैयार किया गया है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था महाकाल लोक का। यहाँ दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी ई रिक्शा का प्रबंध किया गया है। हम भारत माता मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं हम सब लोग। दोस्तों, आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय।